करीना कपूर खान के बदले सुर। बॉयकॉट ट्रेंड को लेकर करीना कपूर खान ने पोलाइटली दिया जवाब। करीना कपूर खान ने कहा, फिल्म नहीं होगी तो एंटरटेनमेंट कैसे हो। करीना कपूर खान लास्ट आमिर खान के साथ लाल सिंह चड्ढा में नजर आई थी। इस फिल्म को जबरदस्त बॉयकॉट का सामना करना पड़ा था। हालांकि जब उस वक्त करीना कपूर खान से फिल्म के बॉयकॉट किए जाने को लेकर उनका ओपिनियन पूछा गया था, तो उन्होंने बेबाकी से इस पर जवाब देते हुए कहा था कि लोग खुद फिल्में देखने आते हैं, कोई किसी को फोर्स नहीं करता, और इसलिए अगर किसी को फिल्म नहीं पसंद तो ना देखे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉलीवुड ट्रेंड को लेकर दिए गए करीना कपूर खान के स्टेटमेंट के चलते लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। लाल सिंह चड्ढा के कलेक्शन पर भी इस बात का काफी असर पड़ा, जो पहले से ही आमिर खान के एक पुराने स्टेटमेंट की वजह से हेटर्स के निशाने पर थी। ऐसे में रिसेंटली कोलकाता में हुए एक इवेंट के दौरान जब एक बार फिर करीना कपूर खान से बॉयकॉट बॉलीवुड कल्चर पर क्वेश्चन किया गया, तो करीना कपूर खान ने माइल्डली इस सवाल का आंसर दिया। करीना कपूर खान ने इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए कहा कि अगर फिल्म नहीं होगी तो एंटरटेनमेंट कैसे होगा। करीना कपूर खान सेड, इफ दैट हैपेंस हाउ विल वी एंटरटेन, हाउ विल यू हैव द जॉय एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ व्हिच आई थिंक एवरीबॉडी नीड्स। अगर फिल्म्स नहीं होंगी तो एंटरटेनमेंट कैसे होगा। साफ है बॉयकॉट को लेकर करीना कपूर खान की सोच नहीं बदली है, लेकिन उनके सुर जरूर बदल गए हैं, जिसे लोगों ने भी नोटिस करते हुए सोशल मीडिया पर पॉइंट आउट किया। आपको बता दें, इन दिनों सोशल मीडिया पर पठान को बॉयकॉट किया जा रहा है। इस ट्रेंड के लपेटे में आकर कई बड़ी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी हैं, जिसमें करीना कपूर खान की लाल सिंह चड्ढा भी शामिल है। और लगता है बॉयकॉट की वजह से फिल्म के फ्लॉप होने का असर करीना कपूर खान के वर्ड्स पर भी पड़ा है। Get a chance to feature on Zoom TV. Ho ja Zoomify.